नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और मकर संक्रांति की आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और पहाड़ों में भी खूबसूरत तरीके से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे भी जाना है भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ। वहाँ है हमारा पुराना पैतृक मंदिर, वहाँ पर भी हमने पूजा पाठ करनी है। और दिन भर आपको ब्लॉग दिखाऊंगा किस तरीके से पहाड़ों में यहाँ पे पूजा पाठ होती है, मकर संक्रांति के दिन क्या सेलिब्रेशन किया जाता है। तो चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऐसे ही हमारे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग्स के लिए। तो चलिए जो दो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए मॉर्निंग में खूबसूरत व्यू आ रहा है मेरे घर से। ऊपर क्या घाटी मस्त लग रही है पहाड़, और खूबसूरत वेदर देखिए। पूरा मौसम खुला हुआ है, बादल है नहीं आसमान में, आज बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। धूप बढ़िया खिली हुई है। और परसों की बारिश के बाद गेहूं भी मस्त जमने लगे हैं, और क्या हरियाली नज़र आ रही है, खूबसूरत ग्रीनरी। ये देखिए दोस्तों, जो मकर संक्रांति के दिन खास हमारे यहाँ पकवान बनाए जाते हैं, गुड़ के पानी में आटा गूंदा जाता है, और उसके इस प्रकार से बहुत से आइटम बनाए जाते हैं। जैसे ये है, इसको बोला जाता है घुघता हमारे यहाँ पहाड़ में, पहाड़ी घुघते। तो इस प्रकार की डिशें बनाई जाती हैं, और भी जैसे पुए हो गए, पूरी वगैरह बहुत कुछ बनाया जाता है। तो फाइनली घर से तो आ चुके हैं, और सामने का व्यू देखिए, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, खुला व्यू। और सामने है ड्रीम कॉटेज, काफ़ी बढ़िया सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है अभी। और ये हमारा बैग जिसमें हमारा पूजा का सारा सामान, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूजा होती है यहाँ पे। काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, और सामने कसले मार्केट, खुला व्यू, वेदर क्लीन है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ को जाना। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के मंदिर में, श्री श्याम जी महाराज के मंदिर में, और लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर भी पूजा होगी क्योंकि त्यौहार का दिन है, सभी मंदिरों में पहाड़ों पर पूजा होती है आज के दिन। और देखिए जो सामने ये है, आग यहाँ पर जला दी, धीरे धीरे और यहाँ पर लोग आएंगे गांव के, तो फिर पूजा यहाँ पर स्टार्ट होगी, प्रसादी बनेगी और सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो हमें चलना है भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ, तो हम निकलते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं काफ़ी ऊपर से, देखिए काफ़ी ऊपर से आ चुके हैं, और थोड़ा दूर हमने और जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर से हम आ चुके हैं, लगभग एक घंटा हो गया हम आते आते, और पीछे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जंगल से अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो अभी दिखाऊंगा मंदिर में पहुंच के आपको किस प्रकार हमारे प्राचीन मंदिर यहाँ पर होते हैं, और किस प्रकार यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं मंदिरों पर। कुछ इस प्रकार के अभी रास्ते हैं जिन रास्तों से होते हुए हम चल रहे हैं, और आगे चल रहे हैं अमित भाई। तो काफ़ी दूर से आ गए हम, तो दोस्तों फाइनली पहुँचने वाले हैं। जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, आपको मकान भी दिख रहे होंगे और ऊपर खेत जैसे दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा वो मंदिर। और ये जो लास्ट में आपको पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के नीचे है हमारा घर, वहाँ से हम आ चुके हैं। काफ़ी ऊपर से हम आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा पाइन का जंगल, जंगलों के बीच से होते हुए पहाड़ी रास्तों में चलते हुए आ रहे हैं। तो पहुँचते हैं, थोड़ा सा सफ़र और रह गया हमारा, तो उसके बाद पहुँचते हैं। वहाँ से आपको व्यू, खूबसूरत मौसम और खूबसूरत नदी देख रहे हैं पास में, ये है भालूगढ़ वाटरफॉल पर जो वाली नदी है। और पास में देखिए एक पुराने स्टाइल में घर बन रहा है, पहले ज़माने में पहाड़ों में इसी तरह से घर बनते थे। ये देखिए सेम पुरानी तरह से, पुरानी पहाड़ी स्टाइल में घर बन रहा है, इसी तरह पहले पहाड़ों में पुराने घर होते थे। और जो ये नदी है, ये वाटरफॉल नदी, यहाँ से चंद थोड़े से दूर में, इस तरफ को थोड़े से दूर में वाटरफॉल, भालूगढ़ वाटरफॉल आता है। तो चलते हैं थोड़े से ऊपर से, मैं अभी आपको लुक दिखाऊँ। दोस्तों नदी को देखिए किस प्रकार, जब भयंकर यहाँ पे नदी आती होगी, पूरा वेग से जब नदी यहाँ पे पानी बहता होगा, तो कितने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे बहा के अपने साथ लेके आई है, ये नज़ारा भी अद्भुत ही लगता है। ऐसा रह गया हमारा, हम पहुँच जाते हैं, अमित भाई आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ। एक थैला अमित भाई ने पकड़ रखा है, एक थैला मैंने पकड़ रखा है, बाकी फैमिली मेम्बर तो आए नहीं। दोस्तों सामने देखिए पेड़ों के बीच में यहाँ पर है मुक्तेश्वर का फेमस भालूगढ़ वाटरफॉल, जंगल के बीच में एकदम। और इसके कई सारी वीडियोज़ हैं, कर सकते हैं यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है, काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है, और काफ़ी ख़तरनाक वाटरफॉल है भालूगढ़ वाटरफॉल। तो जो अभी आपको नदी दिखाई थी, इस रास्ते से हम आ रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा हमारा रह गया है, जो आपको अभी नदी दिखाई थी वही नदी थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर जो गिरता है, यहीं पर, यहीं पर है आपका वाटरफॉल। और नीचे ये देखिए, ये है भालूगढ़ वाटरफॉल आने वाला रास्ता, आगे रोड है भालूगढ़ वाटरफॉल एंट्री गेट, लगभग 1200 मीटर का ट्रैक है, और जंगलों, ये देखिए पूरे जंगल हैं, जंगलों से
आराम से यहाँ पे जंगल के बीच से ट्रैक करते हुए जो नीचे आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से जाया जाता है सामने, ये है वाटरफॉल भालूवाड़ वाटरफॉल। और मैं आया हूँ, हम लोग अभी आए हैं जो ऊपर लास्ट पहाड़ी आपको देख रही है इसके जस्ट नीचे हमारा घर है, वहाँ से हम यहाँ पर आ गए हैं। लगभग एक घंटे का समय हमें लग चुका है और बस पहुँचने वाले हैं, लगभग पहुँच ही गए हैं। मैं वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ हमारा पुराना पैथ। दोस्तों रास्ते से जाते हुए कुछ गाय पाली हुई दिख गई, ये देखिए, और देखिए मस्त तरीके से घास सुखा रखी है, जो अक्टूबर नवंबर में घास काटी जाती है इस प्रकार इकट्ठी करी जाती है, ये देखिए, ताकि जाड़ों के समय में ये काम आ सके गाय को खिलाने में। तो पहुँच चुका हूँ मैं वहाँ पे, ये भालूवाड़ वाटरफॉल के सामने में, गांव का नाम है बुरांसी और ये है हमारा पुराना पैतृक मंदिर, जहाँ अभी अंदर अमित भाई लिपाई पुताई कर रहा है। और ये हमारा सारा सामान, इसमें हमारे बर्तन और जो भी हमारा आटा गुड़ वगैरह फूल भेंट वगैरह सारा कुछ इस पर है। और यहाँ पर अंदर अमित भाई कर रहा है लिपाई, और लिपाई जो होती है मिट्टी से लिपाई होती है मंदिर की, आप देख सकते हैं। और जो मंदिर की देहली यानी कि दरवाज़ा होता है वहाँ पर फूल ज़रूर रखते हैं, ये हमारे पहाड़ों की परंपराएं होती हैं। तो बाद में दिखाता हूँ आपको पूरा किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ। और मंदिर कुछ इस प्रकार का है, पुराना पैतृक मंदिर हमारा, और हर त्यौहार के दिन यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और सामने का व्यू देखिए, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। ये जो ऊंची टीली आपको पहाड़ी दिख रही है, इसके यहाँ पर कोने पे है भालूगा वाटरफॉल, इंडिया का फेमस वाटरफॉल, उत्तराखंड का फेमस वाटरफॉल। और यहाँ पर हमारा पुराना घर हुआ करता था बहुत पहले। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के, मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर और क्या काम हम करते हैं, किस प्रकार यहाँ पर पूजा करते हैं। तो मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेता, तो फाइनली दोस्तों पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है, प्रसाद हमने बना लिया है। तो प्रसाद खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर आटे का हमने प्रसाद बनाया, पुए बनाए हैं। तो यही कुछ त्यौहार होता है हम लोगों का। और ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रखा है हमने चिड़ियों के लिए, सबसे पहले जो प्रसाद बनता है भोग लगता है तो चिड़ियों के लिए इस प्रकार यहाँ पर रखा जाता है, तो उनके लिए रख दिया है। अब तिलक लगाएंगे, प्रसादी पाएंगे तो फिर निकलेंगे घर की तरफ। वो मस्त व्यू आता है यहाँ से, काफ़ी बढ़िया। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो धूप देखिए आई हुई है। और ये जो गांव है ये है बुरासी गांव, दूर दूर में लोगों के घर कुछ इस प्रकार का। तो हम भी काफ़ी दूर से आए हैं, सुबह से बताया मैंने आपको कि ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है सबसे लास्ट मार कर रहा हूँ वहाँ से हम यहाँ पर आए हुए हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई से नीचे उतर के आए हैं। अभी फिर प्रसाद पा के यहाँ से अपना जो भी अपना प्रसाद है उसको ले कर घर के लिए निकलेंगे। तो ये है हमारा वो मंदिर, आमा का मंदिर यानी पैतृक मंदिर। तो दोस्तों ये देखिए, ये वो प्रसादी है जो यहाँ पर बनती है, आटे का हलवा और आटे के पुए, इन्हीं का यहाँ पर भोग लगता है। और अमित भाई भी अंदर यहाँ पर प्रसादी ग्रहण कर रहा है, वह पुजारी भी है इस मंदिर का। तो सारे प्रसादी यहाँ पर चूल्हे के आग में बनती है। दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पर सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, सारा सामान हमने रख लिया है। तो ये था हमारा मंदिर, इस प्रकार से पारंपरिक यहाँ पर पूजा हुई जो हर त्यौहार के दिन यहाँ पर होती है। तो पोर्टली हमारे जो भी हमारा सामान है हम लेके आए थे, सामान ये तो मैं ले जाऊंगा, बाकी भाई लेके जा रहा है आगे से। तो कुछ इस प्रकार से हुआ यहाँ पर आज हमारी पूजा। तो आप लोगों को व्यू कैसा लगा यहाँ से, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड अभी जो सामने आप एरिया देख रहे हैं ये वाला, तो वहाँ से हम आ चुके हैं, ये नीचे रास्ता देख सक, तो एकदम नीचे से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई हमने चढ़ ली है। ये मेरा सामान है जो मैं लेके जा रहा हूँ इस चढ़ाई में, और लगभग ऊपर जाना है हमने, बहुत ऊपर जाना है, 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई और रह गई है, तो और ऊपर चलते जाना है। तो चलते हैं आगे की तरफ, फिर ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं चलने लगा हूँ और भाई काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, और मैं जा रहा हूँ अभी इन रास्तों पे। अब देखिए कैसी चढ़ाई है, तो काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है भाई, तो अभी ऊपर चल के आपको वहाँ से दिखाता हूँ व्यू। तो फाइनली दोस्तों रोड पर पहुँचने वाले हैं, और हम आए थे जो नीचे आपको ये एरिया दिख रहा है यहाँ से हम आए थे, एकदम चढ़ाई है, लगा लीजिए वहाँ से यहाँ आने में काफ़ी चढ़ाई है। और ये व्यू आ रहा है अभी सामने, आसमान में क्लाउड हल्के आए हुए हैं और सनसेट थोड़ी देर में हो जाएगा। तो घर चलते हैं, अभी लंच भी करना है, 3 बजे का समय हो रहा है, तो घर चल के आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों घर पर पहुँच चुके हैं, अभी मैं कर रहा हूँ लंच, और लंच ज़्यादा भूख तो लगी नहीं है लेकिन लंच में खा रहा हूँ अभी खीर। तो फाइनली घर पर पहुँच चुके हैं, ये हमारी खीर जो भाभी ने बना रखी है, खीर खाते हैं। और ये है माहौल, अभी हरीश भाई ने यहाँ पर रेता इकट्ठी कर रखी है थोड़ी बहुत,
तो फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों फाइनली पहाड़ों पे हो चुकी है रात और आज ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और देखिए क्या लाइट लग रही है अभी पहाड़ों पे और मस्त चंदा मामा भी आसमान में आए हुए हैं, तो खूबसूरत नज़ारा है अभी शाम के समय में, बढ़िया व्यू आ रहा है। तो चलिए ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह का प्यार अपना देते रहे।